बहुजनों की ऐसी अनेकों लड़ाइयां हैं जिन्हें इतिहास में कभी जगह नहीं मिली। खासकर आज़ादी की लड़ाई में दलित आदिवासियों के संघर्ष को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। ऐसी ही एक लड़ाई थी हूल क्रांति। संथाली भाषा में हूल का मतलब होता है विद्रोह करना। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें आदिवासी समाज ने आज़ादी के खातिर अपने हजारों बेटे बेटियों को कुर्बान कर दिया। सिद्धू, कानू और चांद बहरव ने अंग्रेजों के खून से एक ऐसी शौर्य गाथा लिखी जो मनुवादी इतिहासकों की तमाम साजिशों के बावजूद भी जमीन फाड़कर बाहर आ गई। हूल क्रांति दिवस पर चलिए उस आत्मसम्मान के महासंग्राम की कहानी की ओर। हूल क्रांति दिवस इतिहास की महान घटनाओं में से एक है। इस दिन आज़ादी के मतवालों ने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जिस दिन झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था यानी विद्रोह किया था, उस दिन को ही हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दे दी थी। इस दिन की कहानी आदिवासी वीर सिद्धू, कानू, चांद और भैरव से जुड़ी हुई है। सिद्धू, कानू, चांद और भैरव झारखंड के संथाल आदिवासी थे। हूल क्रांति दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जम के लड़ने वाले आदिवासियों की संघर्ष गाथा और उनके बलिदान को याद करने का ये खास दिन है। सिद्धू, कानू और चांद बैरव ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यूं तो 1857 की क्रांति को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इस विद्रोह से पहले ही 30 जून 1855 को आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर ऐसी चोट की थी अंग्रेज तिलमिला उठे। 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहिबगंज जिले के भगनाडी गांव से विद्रोह शुरू हुआ था। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इसी दिन को बहुजन आंदोलन में हूल दिवस कहा जाता है। भारत को आज़ाद कराने के लिए दलित आदिवासियों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन मनुवादी इतिहासकारों की कलम ने मंगल पांडे जैसे लोगों को तो हीरो बनाकर पेश किया, लेकिन सिद्धू, कानू और चांद बहरव जैसे लोगों को इतिहास से गायब कर दिया। लंबे समय तक इन नायकों के बारे में लोगों को पता तक नहीं था, जबकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। 30 जून 1855 को करीब 50,000 आदिवासी भगनाडी गांव पहुंचे और आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी सभा में यह घोषणा कर दी गई कि अब मालगुजारी नहीं देंगे। अंग्रेजों को ये रास नहीं आया और युद्ध शुरू हो गया, जिसमें 20,000 आदिवासी शहीद हुए। शुरुआत में संथालों को सफलता तो मिली, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इन पर काबू पा लिया। अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं, लेकिन आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों यानी तीर और कमान से उनका मुकाबला करते रहे। आदिवासी विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जिससे अंग्रेज तिलमिला उठे और अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि अब एक भी विद्रोही संथाल आदिवासी नहीं बचना चाहिए। इस आंदोलन को बेहद निर्दयी तरीके से दबा दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने सिद्धू, कानू, भैरव और चांद को पकड़ लिया और फांसी की सजा दी। जब बड़े बड़े रजवाड़े अंग्रेजों के सामने दंडवत हो गए थे, तब आदिवासी समाज के योद्धा अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें कभी महान क्रांतिकारियों की तरह नहीं देखा गया। महलों में रहने वाले सरेंडर कर चुके थे और जंगल में रहने वाले तीर कमान थामे हुए थे। मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा क्षेत्र था। इस इलाके में रहने वाले पहाड़ी संथाल और अन्य निवासी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे और जमीन का किसी को राजस्व नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदारों की फौज तैयार की, जो पहाड़ी संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूलने लगी। लगान देने के लिए उन लोगों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता और साहूकार के भी अत्याचार का सामना करना पड़ता। इससे लोगों में असंतोष की भावना मौजूद हुई। सिद्धू, कानू, चांद और बहरम ने लोगों के असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। इन महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान देकर विद्रोह की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने आखिरकार भारत को आज़ाद कराने में लाखों लोगों को प्रेरित किया। हमारे नायक नायिकाओं ने इस देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा,
लेकिन मनुवादी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने पुरखों को उनके हिस्से का सम्मान ज़रूर दिलाएं। इस वीडियो के जरिए हमने छोटी सी कोशिश की है कि आपको अपने भूले बिसरे नायकों से मिलवाया जाए। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि और लोगों को भी हूल क्रांति दिवस के बारे में जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अशरफ परवीन है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं सुमित और मोहित।